स्टार भारत पर जल्द शुरू होने जा रहा है नया सीरियल जिसका नाम है 10-29 की आखिरी दस्तक, जो कि 10 जून से शुरू हो जाएगा। वह ये है एक थ्रिलर हॉरर शो और इस सीरियल में नजर आएंगे राजवीर सिंह, जो कि निभा रहे हैं पुलिस वाले का किरदार। इसके अलावा नजर आएंगी शांभवी सिंह और आयुषी भावे। सेट पर हुई इसकी मुहूर्त पूजा, शूटिंग का किया गया श्री गणेश और इसी के साथ कास्ट एंड क्रू इस पूजा में शामिल है। तो आइए करते हैं इन तीनों से खास मुलाकात और जानते हैं कि इस सीरियल में क्या कुछ है खास। डायन की शक्ल देखकर अक्सर तो डर लगता है, लेकिन इस बार डायन हमें बहुत ही खूबसूरत मिलने वाली है, क्योंकि एक चांद सा मुखड़ा भी है और दो डायने, काफ़ी कंफ्यूजन भी है, लेकिन इस बार डायन की जो लैंग्वेज है वो भी अलग होने वाली है। सो पहले सबसे तो ये बताइए, कौन डराने वाला है, कौन, मतलब वी कांट इवन गेस कि कौन डायन बनेगा। पता नहीं कौन है डायन, मुझे लग रहा है मैं ही डायन बन जाता हूँ। सस्पेंस है हमारे शो का कि कौन है डायन, ये आपके साथ हम भी जानना चाहते हैं, तो शो के थ्रू ही हमें पता चलेगा एपिसोड बाय एपिसोड। शो का जो सस्पेंस है वो यही है कि कौन है डायन, पूरे गांव में जो है वो कौन करवा रहा है, वो अभी सच ये है या मैं हूँ या कोई और है, पता नहीं। अब ये तो जानने के लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा, हम तो नहीं बताएंगे क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता है। चमकिया के डायन आई वुड से, जो कि बिहार बेस्ड है और बिहार की लैंग्वेज भी हम जानते हैं कि कितनी डिस्टिंक्ट होती है, जहाँ से आप सभी बिलोंग करते हैं काफ़ी अलग है। सो किस तरह से, देखिए बिहार है हमारे पास, तो किस तरह से आपने इनको ट्रेनिंग दी और क्या एक कितना डायलेक्ट रहा भी है इस किरदार को लेकर? एज सच अभी तक तो ऐसी कोई डायलेक्ट ट्रेनिंग वैसा रहा नहीं है शो में, हम प्रॉपर हिंदी ही बोल रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि उधर हम बोलते हैं मैं की जगह, तो बस दैट्स दी ओनली डिफरेंस। हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं हम उधर वैसे ही बात कर रहे हैं। दिस इज लखनवी राइट, लरी तहजीब वाला, तो बिहार की मैं पूछ रहा हूं। बिहार में भी ऐसे ही बात, आज के ज़माने में प्लीज़, ये जो मिथ है ना कि बिहार में ऐसे वैसे बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं वैसे ही हम भी वहीं पे, मतलब बिहार में, मेरा पटना होम टाउन हुआ तो उधर ऐसे ही बात करते हैं। ऐसे बात करते हैं, हाँ जी। वेरी नाइस, थैंक यू। नेवर बीन देयर इन पटना, बट सून वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे। सो हाँ, ऐसा कुछ डायलेक्ट का ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने का शो है, आज के टाइम का शो है, 2024 का शो है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग एक एरा क्रिएट कर रहे हैं, 90-20 कुछ जैसा बना रहे हैं, या 200 साल पीछे नहीं जा रहे हैं हम। आज के बच्चे हैं, आज की जनरेशन जैसे बात करती है, आई एम श्योर बिहार में भी हमारी तरह ही बात करते हैं वो सारे। हम सिर्फ दिमाग में सोच लेते कि बैकग्राउंड सोच के कि बिहार का है तो कैसन बा और ऐसे सब बात किया जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे प्रोड्यूसर जी और हमारे डायरेक्टर सर ने हमें पहले से ही बता के रखा है कि बिल्कुल आज की तरह हम बात करेंगे, सिर्फ मैं की जगह हम हो जाएगा। जैसे बॉम्बे में हम सारे मैं तू ऐसे बात करते हैं, सिर्फ वो उसकी जगह हम आप तुम हो जाएंगे। और ऐसे में आप दोनों का साथ भी जो है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, सीम्स लाइक कि जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। दिस इज आवर थर्ड शो बैक टू बैक, आई थिंक फर्स्ट टाइम इन टीवी हिस्ट्री, राइट? ऑडिशन कॉल आता है तो एक दूसरे को कॉल, बिल्कुल। ये तो बढ़िया चीज़ है ना हमारी, कि हमें खुद पता नहीं होता है कि हम मॉक शो पे मिलने वाले हैं, बिकॉज ऑडिशन अभी आजकल कैसे सेल्फ टेस्ट हुआ जाता है, तो हम तो अपने अपने घर से सारे ही जितने भी कॉल आते हैं हम सारे ऑडिशन देते हैं, और बाय लक पता नहीं हम दोनों को साथ में कॉल आ गया, हम दोनों एक दूसरे को मॉक शूट पे मिले एंड वी वर लाइक अरे तू यहाँ क्या कर रही है, तू यहाँ क्या कर रही है, ऐसे फिर हम मिले इस सेट पर। तो पता नहीं हमारा लक साथ में चल रहा है। के बाद बैक टू बैक निर्जा, निर्जा के बाद बैक टू बैक दिस चमकिया,
वही बोल रहा हूँ कि ये लकी मैस्कॉट है। लकी मैस्कॉट, हाँ, हम एक दूसरे के लकी मैस्कॉट से। डायन यहाँ परेशान। डायन? नहीं, ये भी हमारी, अब नेक्स्ट वाले शो में हम तीनों मिलेंगे। होपफुली। हम जोड़ते जाते हैं लोगों को साथ में। काफ़ी सस्पेंस है क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मुहूर्त पूजा हो गई है। सो क्या किस तरह से पूजा को अंजाम दिया गया और क्या आगे की शुरुआत के लिए कामनाएं की गई? आज बहुत शुभ दिन है, आज सोमवार है, महादेव जी का दिन है आज, तो इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है ना? तो ये अपने आप में ही, वैसे तो हर दिन सब अच्छे होते हैं लेकिन स्पेशली आज का दिन सोमवार को मैं ज़्यादा ही मानता हूँ भगवान शिव को, महादेव को। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, इट्स गुड, गुड बाय। एंड ऑफकोर्स हमने यही प्रार्थना की है कि हम जो भी अपनी मेहनत डाले वो सक्सेसफुल हो, हम सबकी मेहनत, एक्चुअली पूरी टीम एंड प्रोडक्शन की मेहनत। सो यार, वी आर एक्साइटेड। श्री गणेश कर दिया है हमने आज, तो आज से हमारा शूट भी शुरू होने जा रहा है। तो वी होप यू लाइक आवर वर्क, और जैसे आपने पहले हम सबको प्यार दिया है वैसे हमें आपका प्यार इस शो में भी मिलता रहे, यही कामना है। हालांकि कैरेक्टर्स के बारे में आई एम श्योर आपको बोला गया है, ज़्यादा कुछ नहीं बताने के लिए, बट अगर थोड़ा सा अनवील किया जाए कि थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट किया जाए, सो क्या एक ऐसे, आपको जब एक हीरो और दो हीरोइन दिखते तो आपको क्या पता चलता है इस बात से कि ऑब्वियसली प्यार की बातें होंगी, देखा देखी होगी, ताका जाकी होगी, कौन किसके प्यार में गिरता है, कौन किससे पीछा छुड़ाता है, क्या हो रहा है, ये ड्रामा तो आपको शो देखते देखते पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा उसके साथ साथ ही। करेक्ट। मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी दो हीरोइन से, पहली बार बाय वन गेट वन फ्री है, तो ये दोनों ही झगड़ेंगी मुझे, मैं तो सॉर्टेड हूँ, आपस में इनकी लड़ाई हो गई और बस कौन डायन है मुझे ये नहीं पता, लेकिन दोनों में से थोड़ा सा रिस्की भी है मामला, तो या इट्स गुड, बच के रहना पड़ेगा। तो एंड यस, वन मोर थिंग, आई एम प्लेइंग अ कॉप दिस टाइम, तो यस, इंटरेस्टिंग होगा, कुछ डिफरेंट होगा। अब पिछले टाइम लोगों ने मुझे रिश्ता में प्यारी मुस्कान के रूप में देखा था, अभी थोड़ा अलग अंदाज में देखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हमें इंतज़ार रहेगा कि कब ये एक नया चेहरा, नया कैरेक्टर के रूप में हम आप सभी को देख पाएंगे। कैमरामैन स्वप्निल दयालकर के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई। हम तो 24/7 करते हैं आपके एंटरटेनमेंट के हर सपने को पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, नाम तो आप सबको पता ही है, सास बहू और पेटीएम।